नमस्कार मित्रों, अनेक लोग कई बार ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, उस धन से खरीदते हैं जो उनके पास होता नहीं है, और उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें वे जानते तक नहीं हैं। कल सोशल मीडिया पर एक संदेश पढ़ा और मन को व्यथित कर गया। निश्चित ही हम अनेक बार ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिनकी हमें आवश्यकता न होती है। घरों में हम देखेंगे कि अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, वाहन हमारे पास सब तरह के हैं, सब सुख सुविधा के साधन हैं, किंतु फिर भी हम बाज़ार जाते हैं तो नए मॉडल की चीज़, नए तरह के कपड़े या नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम खरीद लाते हैं। उसके पश्चात कई लोगों के पास तो बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, किंतु कुछ लोग यह वस्तुएँ लोन लेकर खरीदते हैं जिसे उन्हें आगामी कई सालों तक चुकाना पड़ता है। फिर इन वस्तुओं से हम उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। हम अच्छे कपड़े पहनकर कांच में अपना चेहरा ठीक करके या बढ़िया वाहन लेकर हम बाज़ार में निकलते हैं तो हम पाते हैं कि इनसे अच्छी अच्छी वस्तुएँ तो मार्केट में पहले ही अवेलेबल है और लोग बाग उनका उपभोग कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपनी धुन में इतना व्यस्त है कि उसे ध्यान ही रहता कि आप क्या पहनकर निकले हैं, आप किस वाहन में जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम अपने आप में ही ओवर कॉन्शियस होकर चलते हैं, अपने आप में ही हम ये मान के चलते हैं कि हम सर्वोत्तम हैं, पर हमें कोई देखता नहीं और हम भी किसी को नहीं देखते हैं। तो ये व्यर्थ का आडंबर को हमें छोड़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें छोड़ें, और सीधी सीधी बात कहें तो हमें अपने औकात में ही रहना चाहिए। मित्रों, प्रयास करें तो निश्चित जीत होती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद मित्रों।